नमस्कार, स्पीड न्यूज वीक में आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। महज 7 दिन में ट्रांसफार्मर उतार लिया। इधिकमपुरा ग्राम पंचायत के बलुबास गांव का बताया जा रहा मामला। खैरदलीपी स्कूल का प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 संकल्प मातों रोड सुंदरम गार्डन में हुआ आयोजन। समारोह में विधायक दीपचंद खेरिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विधायक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान और खिलाड़ी भी होना चाहिए। इस दौरान खैरदलीपी स्कूल निदेशक आजाद चौधरी ने आगंतुक अतिथियों का भव्य स्वागत किया। फतेहपुर में द केरला स्टोरी फिल्म इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सिनेमाघरों में द केरला स्टोरी फिल्म निःशुल्क दिखाई जा रही है ताकि बहन बेटियां जागरूक हो सके। जयपुर के सांगरेर टॉक रोड स्थित रामेश्वरम कॉलोनी में प्रदीप गोपाल स्मृति न्यास और गायत्री परिवार के तत्वावधान में पंचकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। साथ ही कलश यात्रा शिव पंचायत की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सत्यनारायण साहू प्रवीण गर्ग सहित सेवा बस्ती के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झुंझुनू के रामकृष्ण मिशन में अजीत विवेक संग्रहालय में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के तत्वावधान में विवेक चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रांत प्रमुख भगवान सिंह और रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मा निष्ठानंद महाराज। ब्यावर में राजस्थान रावत राजपूत महासभा के नवगठित कार्यकारिणी हेतु शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहर के उदयपुर रोड स्थित मां आशापुरा माता मंदिर परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा मां आशापुरा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर महासभा की ओर से नवगठित कार्यकारिणी का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। रायसेन नगर में व्यापारियों ने माकपा नेता श्रीपत मेघवाल का स्वागत किया। शहर के मनिहारी बाजार के दुकानदारों ने व्यापारियों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे माकपा नेता श्रीपत मेघवाल का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। रायसेन नगर और समेजा पुलिस ने आतंक अपराधियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 35 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में चोरी लूट डकैती सहित संगीन अपराधों के आरोपी भी शामिल हैं। वहीं समेजा पुलिस ने गांव सलीमपुरा के एक बदमाश के कब्जे से 850 ग्राम जुदा पोस्ट बरामद किया। जयपुर के पावचा क्षेत्र में हल्की बरसात के साथ आया तेज आंधी तूफान। तेज आंधी से क्षेत्र में अनेक जगहों पर नुकसान पहुंचा। क्षेत्र में लोगों के मकानों के टीन शेड को नुकसान पहुंचा। भोनावास गांव के ढाणी केशराला में लहरी मल सैनी के मकान के टीन शेड भी उड़ गए। इससे घरेलू सामान और पशुचारे को नुकसान पहुंचा।
डीडवाना कस्बे के श्री आदर्श सरस्वती सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन। शंकराय अस्पताल और जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के सहयोग से गुजरात गणेश मंदिर रोड स्थित स्थानीय अग्रसेन भवन के 10वें निःशुल्क मोतियाबिंद और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 111 मरीजों का लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। मिर्ता सिटी में यूथ कांग्रेस परिणाम जारी किए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए बासनी सैजा निवासी सुरेंद्र बापेडिया ने 649 मत हासिल किए। राशिद खान को हराकर 383 वोटों से अध्यक्ष निर्वाचित। जोधपुर के फलौदी में कर्नाटक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता धूलिया ने बताया कि जीत पर कार्यकर्ताओं ने गुड़ से मुंह मीठा करवाया और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोहनगढ़ क्षेत्र में आगामी पेयजल पानी की कठिनाइयों को देखते हुए गुडविल कंपनी के द्वारा घंटियाली के पास डैम का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों ने 1356 आरजी से डैम तक ग्रेवल सड़क का निर्माण किया है। गुडविल कंपनी ने रानी खान के नाम से 11 किलोमीटर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू। देसुरी में कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने पर सादड़ी नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। फलौदी में स्थानीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी ने बताया कि सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसमें विद्यालय का परिणाम बेहतरीन रहा। कक्षा 10वीं की छात्रा रजत कंवर पुत्री खुशहाल सिंह ने 93.2% अंक हासिल कर इतिहास रचा। जोधपुर के श्री सोहलाल मनिहार गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भलुराम कीचड़ ने स्वयं प्रदर्शनी में पहुंचकर न केवल इसका शुभारंभ किया बल्कि अवलोकन करने के साथ छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया। बाड़मेर में कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की प्रचंड जीत होने पर धोरीमन्ना डाक बंगले में जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान ताजाराम जिला प्रवक्ता दिनेश कुलदीप सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर में कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने खुशी से पटाखे जलाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की शुभकामनाएं। फलौदी के घंटियाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चंपासर में दूसरे दिन भी लोगों में भारी उत्साह नजर आया। प्रदेश कमेटी के सदस्य महेश व्यास के द्वारा नियुक्त प्रभारी किशन राव लूना ने बताया कि चंपासर के ग्रामीणों में दूसरे दिन भी लोगों में भारी उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि योजनाओं में 780 रजिस्ट्रेशन हुए और लोग लगातार इससे लाभान्वित। जैतारण में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश चौधरी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रमेश चौधरी को याद करते हुए रक्तदाताओं ने 258 यूनिट रक्तदान किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी की अगुवाई में शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रमेश चौधरी के मासूम पुत्र के हाथों फीता कटवाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर के भड़ियाणा में चांदनी मेगासर ग्राम पंचायत में मंत्री सालिम मोहम्मद और पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गुदारा ने मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर में गारंटी कार्ड बांटे। इससे पहले मंत्री सालिम मोहम्मद का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ी के साथ स्वागत किया। जैतारण के लोटोती में किसान के लिए महंगाई राहत शिविर वरदान साबित हुआ। कैंप में पशुपालक के अधिकारियों के साथ संपर्क करने के बाद पशुपालन विभाग के द्वारा उनकी 100 भीड़ बकरियों को आंतरिक कृमिनाशक दवा पिलाई गई। साथ ही ब्रह्म कर्मियों ने विभाग के द्वारा कृमिनाशक दवा का छिड़काव किया। जैतारण में पूर्व कॉलेज अध्यक्ष रमेश चौधरी की पुण्यतिथि पर रक्तदान का आयोजन हुआ, जिसमें शिविर में 258 रक्तदीवीरों ने रक्तदान किया। जैतारण के सिकवाल भवन में आयोजित शिविर में रक्तदान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी रही, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी के सत्संग वेद भवन के प्रांगण में सुबह 9:30 बजे से धूमधाम से गणेश और गुरु वंदना के साथ शुरू हुई। इसके बाद भजन कीर्तन में चंपालाल भुजिया सहित अन्य गायकों के द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। जोधपुर कमिश्नरेट के जांगेवास पुलिस थाना क्षेत्र के कोकुंडा गांव में जमीन के विवाद के चलते एक व्यक्ति ने उसके रिश्तेदार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके सर पर गंभीर चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जनसेवा समिति जैसलमेर के द्वारा संचालित नेत्र जांच केंद्र नासा में निःशुल्क आंखों की जांच की गई। इस कैंप में 60 लोगों की नेत्र जांच करने का परामर्श दिया गया। चुरू के सरदार शहर का झिड़कानिया परिवार की 65 वर्षीय चंदा देवी पिछले 17 वर्षों से लकवे की शिकार है। इस वजह से चलने फिरने उठने बैठने में असमर्थ है। पिछले 17 सालों से लगातार 3 बेटे दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं और अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत से जुड़े शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च किया। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
श्रीगंगानगर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर जश्न मनाया गया। सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई, साथ ही एक दूसरे को मिठाई बांटी गई। श्रीगंगानगर में गांव 42 एच में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीसीसी सदस्य रूबी कुलर ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राहत कैंपों का आयोजन किया है। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 43,000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इसमें 37,000 प्रकरणों का निस्तारण किया। इस लोक अदालत के लिए 13 बेंच का गठन किया गया। श्रीगंगानगर के टांटिया हॉस्पिटल सुखाड़िया नगर में कोशिकाओं और नसों को 20 गुना मोटा दिखाने के लिए एडवांस माइक्रोस्कोप स्थापित किया। अस्पताल के डायरेक्टर विंचू टांटिया और न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश माहेश्वरी ने बताया कि माइक्रोस्कोप अमेरिका से आयातित है। इसमें शरीर की विभिन्न कोशिकाएं और नसें 20 गुना मोटी दिखती है। इस दिमाग की नसों का ऑपरेशन सावधानीपूर्वक किया जा सकता है। चुरू के आजाद चौक पर कांग्रेस नेता मुश्ताक खान के नेतृत्व में कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक खान ने कहा कि जीत आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए लोकसभा चुनावों के साथ ही शंखनाद रखी। चुरू जिले के सरदारशहर और तानागढ़ में उत्पादित सांगरी स्वाद और जायके बढ़ाने वाली होती है, लेकिन अब सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। इस वजह से गिल्डू रोग की वजह से प्रोडक्शन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। कारण है कि इस बार सांगरी के भाव 1200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। बांसवाड़ा के अम्बापुरा थाना क्षेत्र में महिला ने अज्ञात वजह के चलते जहरीली दवा का सेवन किया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के झाड़ोल में 3 अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 6 लोग जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। खाखड़ में अचानक भैंसा जाने से बाइक सवार जख्मी हो गया, तो वहीं पालियाखेड़ा में बाइक सवार नाबालिगों ने एक राहगीर को चपेट में लिया। तीसरी घटना NH-58 पर हुई, जहां पशुओं से टकराने पर 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत पर देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजसमंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखा, आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बांसवाड़ा के पंजाल ग्राम पंचायत में बुनकर समाज ने 4 दिवसीय राधा कृष्ण और अम्बा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भूमि पूजन किया। इस दौरान समस्त गांव से बुनकर समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की। बांसवाड़ा के बजवाना गांव में बागड़िया पाटीदार समाज का विशाल मेला और महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। महासम्मेलन में 500 एकड़ में गांव में रहने वाले समाज के समाजजन शामिल होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के झाड़ोल के गोगला कस्बे में महंगाई राहत कैंप आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को रजिस्ट्रेशन की वजह से राहत कार्ड भी वितरित किए गए। इस दौरान पूर्व MLA हीलाल उप प्रधान मोहम्मद सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर के गोवर्धन बिलास थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस 2 पहिया वाहन चोरी के 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर चुकी है। साथ ही आरोपियों से धारदार हथियार भी जब्त किया। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुंगटीवार का उदयपुर दौरे के तहत राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचना हुआ, जहां उन्होंने सिंगाजी भगवान की राजभोग झांकी के दर्शन किए। तो वहीं इस दौरान मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बहाने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे अपरिपक्व नेता है, जिन्होंने इस्तीफा देकर यह साबित किया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है, और इसी के तहत नाथद्वारा डिप्टी छगन राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस की टीमों ने अपराधियों के घर पर दबिश दी। इस दबिश के दौरान 25 संपत्ति संबंधित अपराधियों को डिटेन किया गया, जो कि 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर के छोटे बच्चों में छिपे विविध प्रतिभाओं को निखारने का दौर शुरू हो गया है। इन शिविरों के माध्यम से नगर परिषद की ओर से मैरिज हॉल में 15 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। जिला कलेक्टर LN मंत्री और SP कुंदन ने शिविर का शुभारंभ किया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके के गरबेलिया गांव में राष्ट्रीय पक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गले पर चोट के निशान मिले स्थानीय निवासी राधेश्याम ने वन विभाग को सूचित किया। इस विभाग की टीम ने मोर को चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां पर उन्हें चिकित्सकों ने देखकर मृत घोषित किया। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। ट्रेड सिक्योरिटी और टूरिज्म में नवीन सत्र में प्रवेश के लिए रैली निकाली। अभिभावकों और व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास कार्यक्रम की सभी को जानकारियां दी गई।
झालावाड़ में दिनों अवैध अतिक्रमण पर पर्दे लगाकर दिनदहाड़े धरने से निर्माण किया जा रहा है, जबकि जगहों को 29 अप्रैल को नोटिस देकर रुकवाया था। आज 15 दिन के बाद फिर से हंडिया चौराहे पर दुकानों का काम शुरू हो गया। सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने नगर परिषद आयुक्त को जमकर फटकार लगाई और कार्य बंद करवाने के निर्देश दिए। बारा शहर के कोटा रोड स्थित निर्माणाधीन जैन तीर्थ का आगामी 17 से 25 मई तक अंजन शिला का प्रतिष्ठा महोत्सव रखा गया है। इस कार्यक्रम में आचार्य भगवंतों सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया जाएगा। बारा जिले में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों के साथ गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिले में 24 अप्रैल से 13 मई तक 6,95,788 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बूंदी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत 43 टीमों में तैनात 400 अधिकारी और पुलिस जवानों ने रात भर दबिश देकर अपराध करने वाले अपराधियों की धरपकड़ की। इस पूरे मामले में जिले भर में 200 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। राजस्थान में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार आज एक दिवसीय दौरे पर बूंदी पहुंचे, जहां सरके छाव से पहुंचने पर उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समाज के बंधुओं द्वारा स्वागत किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी में किशनगंज कांग्रेस कार्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय रानी बड़ौत पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी हुई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नागौर के लाडू में जैन विश्व भारती संस्थान अहिंसा और शांति विभाग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई। कार्यक्रम में फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं रखी गई। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र सिंह राठौर ने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अजमेर के पीसांगन में पुलिस वाहन ने सड़क किनारे खड़े लोडिंग टेम्पो को टक्कर मारी। टक्कर से टेम्पो पलट गया, साथ ही पुलिस वाहन का शीशा टूटा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर हेड कांस्टेबल मेजाती के साथ मौके पर पहुंचे। नागौर के रियाबटी में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। नागौर के बीरता सिटी में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन। बीरता मुख्यालय के न्यायिक अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर अदालत का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के राजकीय अतिथि राष्ट्रीय संत श्री 1008 बाल योगी उमेश जी महाराज ब्यावर पहुंच रहे। उज्जैन से जोधपुर जाते समय संत श्री अल्प प्रवास के लिए ब्यावर के फार्म हाउस पर रुके, जहां विधायक शंकर सिंह रावत पार्षद बंगत सिंह मोनू समेत कई लोगों ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। अजमेर के ब्यावर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर। कांग्रेस नेता मनोज चौहान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका के नेतृत्व में भव्य आतिशबाजी हुई। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत पर प्रदेश भर सहित ब्लॉक स्तर पर भी जश्न मनाया गया। जीत पर कांग्रेसियों में उत्साह का माहौल। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर स्थित राव सर्कल चौराहे पर आतिशबाजी की और मिठाइयां खिलाई। मीरता सिटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 27 चौहानों के मोहल्ले में पिछले 25 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहल्लेवासियों ने बताया कि पिछले 25 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर के कुम्हेर में गृह क्लेश के चलते फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना पुलिस ने पीह पक्ष में मामला दर्ज करवाया। ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगाया। सवाईमाधोपुर के बौली में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा हाईवे सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता बदन सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक स्थायी अतिक्रमण हटाए। सवाईमाधोपुर के बौली में सीएचसी की मोर्चरी जीर्ण हो रही है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी मरम्मत नहीं हुई और ऐसे मोर्चरी में रखे शवों की सुरक्षा के लिए पुलिस के जवानों को पहरा देना होता है। भरतपुर के बाजार में 14 साल के बच्चे की पतंग के मांझे से जख्मी होने की वजह से घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चे को एडमिट करवाया, बच्चा खतरे से बाहर। धौलपुर में परशुराम शुभयात्रा समिति के द्वारा ब्राह्मण समाज की बैठक में 28 मई को निकाली जा रही शुभयात्रा को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संयोजक सह संयोजक और कोषाध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के पास 20 दिन पहले मिले ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के उल्लू को फिर से रेस्क्यू किया गया। गांधी पार्क को मिलने के बाद बंदरों के हमले से बचाते हुए लोगों ने इसे रेस्क्यू किया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के वन रक्षक ने इसे रेस्क्यू किया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाने इलाके में 11 साल के बालक के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। परिजनों ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। बाड़ी सीओ मनीष शर्मा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस ने युवती के मजर का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को बताया। सवाईमाधोपुर के बौली में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया, आगजनी से 3 घरों को अपनी जद में आग ले लिया। भीषण आगजनी से लाखों का नुकसान पहुंचा।
इस दौरान सभी ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। भरतपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। भरतपुर में वन विभाग के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, वन विभाग की टीम ने अवैध खनन परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त करने के बाद वन विभाग कार्यालय में नर्सरी वैन पर खड़ा किया। छोटाभीम उपखंड क्षेत्र में बालघाट थाना पुलिस के प्रभारी अभिजीत मीणा के द्वारा दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे दोपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट लगाए हुए कई लोगों के चालान काटे। जयपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से गौवंश जख्मी हो गया, जहां मोहित शर्मा ने दूर से पानी लाकर गौवंश को पानी पिलाकर हरा चारा खिलाकर इसकी जानकारी एनएसए गोविंद भारद्वाज को दी, जिसका उपचार बाद में किया। अलवर के कठूबर में चिड़बतवा सिंहराना गांव में भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन, जिसमें विधायक बाबूलाल बैरवा और अमिताभ बैरवा समेत श्रद्धालु ने प्रसादी ग्रहण की। जयपुर में दादू साधना धाम में संत शिरोमणि दादूदयाल महाराज का 420वां निर्वाण दिवस मनाया गया। हिंता जुलदास महाराज ने सानिध्य में निर्वाण दिवस को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। सांभर सैन समाज के विधायक निर्मल कुमारवत का जोरदार स्वागत उन्होंने किया। पटीवाले बालाजी मंदिर की चार दीवारी विधायक कोष के साथ बनाने की स्वीकृति के लिए उनका आभार जताया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत के बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। किशनगढ़ बास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और मुंह मीठा करवाकर खुशियां मनाई। कठूबर में गर्मी की लगातार बढ़ते सितम से लोग त्रस्त हैं। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। रविवार को तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। सांगानेर के प्रतापनगर में वार्ड नंबर 119 में जयपुर बम सीरियल ब्लास्ट के अपराधी दोषियों को खोने पर विरोध में संसदीय सचिव कैलाश वर्मा सहित सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अलग अलग रास्तों से होकर यह काफिला गुजरा। सीकर जयपुर रेंज खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला पुलिस लाइन परेड ग्राउंड, जिला स्टेडियम और अन्य जगह पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। हर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। खेल टीम भावना के साथ अच्छे प्रदर्शन के साथ सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के श्रीराम आश्रम में द बोहराज ग्लोबल स्कूल की ओर से मातृ दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मातृशक्ति के रूप में विद्यालय की शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। बूंदी के तालेडा में प्रशिक्षु डीएसपी दिलीप कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस और तालेडा पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। झालावाड़ के झालरापाटन में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रप्रकाश लाला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई। कोटा के कुन्हाड़ी थाने इलाके में एक दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुकानदार ने नौकर को हटाया और इसी बात से खफा होकर उसके परिजनों ने दुकान में तोड़फोड़ की। कोटा में ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय दिया। ऑटो चालक ने रात सवारी का बैग थाने में जमा करवा दिया, जिसके 50,000 और कुछ जरूरी कागजात। बारा के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 किलो अवैध गांजा जब्त किया, साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार कर एनटीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों से पूछताछ शुरू की। झालावाड़ में कर्नाटक के कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया, साथ ही एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई। नागौर के डीजवारा में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में लोक अदालत में आयोजित हुए मामलों में निपटारों के लिए 2 न्यायिक बेंच बनाए गए। नागौर के मकराना में भाजपा मंडल के संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला विस्तारक दिलीप सिंह राजपुरोहित ने अपनी मौजूदगी में बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष घनश्याम ने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पर्सन इंडिया न्यूज। नमस्कार।